लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 23,580 के आसपास हमने डे हाई बनाया है। निफ्टी बैंक में अब ज़्यादा जोश, 50,216 के लेवल्स, करीब करीब 217 अंकों का इजाफा, और मिड कैप्स भी दरअसल भाग ले रहे हैं आज की इस तेज़ी में। 150 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशो नियरली 1:1 है, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा है। कुछ पॉकेट्स जो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं आज, उन पर नज़र डालें तो आईटी कंपनियों में जोश देखने को मिला है आज। M&M आउट परफॉर्म करता हुआ, बैंकिंग काउंटर्स में ICICI, SBI और HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी बनती दिखाई दी है। आईटी में बाकी सभी स्टॉक्स में तेज़ी है, लेकिन TCS थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। यह है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। ऐसे में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस हफ्ते, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करें, हमारे साथ तीन नए चेहरे जुड़ेंगे खिलाड़ी नंबर वन में, और उनसे बातचीत पहले होगी मार्केट पर। सोनी पटनायक, प्रदीप होचंदानी और अरुण कुमार मंत्री हमारा साथ दे रहे हैं, आप तीनों का ही स्वागत है। सोनी, सबसे पहले मार्केट के इस मोमेंटम को कैसे पढ़ा जाए, एक और सत्र जहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स हमने निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की तरफ से देखे, अप्रोच क्या होगी इस हफ्ते के लिए पहले? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, इन सारे दर्शकों को। निफ्टी यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड आज हमको देखने को मिला है, 23,500 को गैप अप के थ्रू ब्रेक किया है, ये अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है टुवर्ड्स 23,650 23,700 लेवल्स। इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ से मेरे लिए पहले 23,400 रहेगा। फ्राइडे में एवरी आवरली क्लोजिंग 23,400 के ऊपर आ रहा था, सो वो काफी क्रूशियल सपोर्ट होते जा रहा है, और प्लस वहां पे ओपन इंटरेस्ट बहुत अग्रेसिवली राइटिंग हो रही है पुट के साइड पे। सो जब तक 23,400 होल्ड करता है, निफ्टी एक बार यहाँ से 23,700 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, तो निफ्टी क्लियरली एक मोमेंटम को और भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, फोकस तेजी पर ही होना चाहिए। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, तेजी की साइड का ही अप्रोच रहेगा। निफ्टी में हमारे हिसाब से 23,800 के नेक्स्ट मेजर टारगेट आ रहे हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट रहेगा वो क्लियरली जो पिछले 7-8 सेशन का एक हमने कंसोलिडेशन देखा है, उसका लोअर एंड 23,300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो किसी भी कंसोलिडेशन में इसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को भी इसी के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि तेजी के साइड के कुछ सही ट्रेड लेके आए जाए। तेजी की तरफ वाले ट्रेड्स पर ही फोकस करने की सलाह यहाँ पर प्रदीप की है। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या आपको भी लग रहा है कोहेसिव मूव दिग्गजों में ज्यादा मजबूत रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए, अगेन मोर एंड लेस हर्षदा जी सेम व्यू ही रहेगा, 23,350 23,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए, और 23,700 से 23,750 ये लेवल्स मुझे लग रहा है 1-2 दिन में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो मार्केट को बाय करना है, और 23,700 वहां तक मार्केट जा सकता है। और डेफिनेटली लार्ज कैप्स अच्छे लग रहे हैं, स्पेसिफिकली रिलायंस और HDFC बैंक दोनों में मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लग रहा है ये दो स्टॉक्स हो सकते हैं मार्केट को ऊपर लीड करते हुए नजर। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस और HDFC बैंक, इन दो बड़े ट्रेड्स पर फोकस रखिएगा, ये लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे मार्केट के मूव्स के मद्देनजर। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए आज ताज़ा ट्रेड क्या हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं। तो प्रदीप बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? ट्रेड रहेगा इमामी लिमिटेड पे बाय। इमामी ने पिछले 5-6 सेशन में कंसोलिडेशन देखा है, ओवरऑल इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहा है, और इस कॉन्फिडेशन के बाद ये आज एक अर्ली चार्ट्स पे शुरुआती कारोबार में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 742 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे, 715 का स्टॉप लॉस रहेगा, 815 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल इमामी लिमिटेड में एक अपॉर्चुनिटी 815 के लिए तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, खरीदारी करना यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, 715 का स्टॉप लॉस। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड पहला रहेगा IDFC लिमिटेड में। आज यहाँ पे करंट लेवल 118-118.5 इस रेंज पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 113, टारगेट है 128 और 130। IDFC में आज हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स 100% क्रॉस कर चुके हैं प्रीवियस डे वॉल्यूम्स पे, 50 EMA को भी ब्रेक किया है, सो काफी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे बन रहा है टुवर्ड्स 130 लेवल। पोजिशनल बेसिस पे इसको होल्ड कर सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग साइड का काउंटर, तेजी की पोजिशन आप लेकर चले, खरीदारी का ही कॉल यहाँ पर सोनी ने दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक
120-130 के लिए एक मौका तेजी की तरफ, और 100 आपने आईडीएफसी फर्स्ट कहा कि आईडीएफसी सोनी सॉरी आईडीएफसी लिमिटेड सॉरी, आई थिंक सुबह में आईडीएफसी फर्स्ट पर भी कोई व्यू दे रहा था तो मेरी नजर मेरा ध्यान उसी पर था, तो आईडीएफसी में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी 128 के लिए एक मौका तेजी का और 113 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अरुण बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? अगेन पहला स्टॉक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रहेगा, सभी में मेजर ब्रेकआउट है तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को बाय करने की सलाह है। 179 के आसपास चल रहा है तो इसको करंट लेवल पे बाय करें। 175 का स्टॉप लॉस लगाए और 192 का ऊपर में टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट के लिए तैयार है और 10-12 रुपए का मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम, तो 192 का टारगेट रहेगा और 175 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिएगा। ठीक है, तो एक एक ट्रेड हो गया हमारे जानकारों की तरफ से, अब दूसरे ट्रेड पर आते हैं। सोनी बताइए आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा जी, यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में आज हमने देखा है कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। 330 की कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, सो राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे करंट लेवल 328 पे बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 320 का, टारगेट यहाँ पे रहेगा 360 के लिए। पावर ग्रिड में एक मौका तेजी का, स्टॉक देखिए करीब करीब 7 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2.25% के गेंस हैं, 360 टारगेट और 320 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय साइड का ट्रेड रहेगा। अरुण आपका क्या रहेगा ट्रेड आईबुल हाउसिंग के साथ दूसरा वाला? अगेन दूसरा स्टॉक एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसमें भी आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, असाही इंडिया में बाई करने की सलाह है। 654 के आसपास चल रहा है, 6632 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें और 710 का ऊपर में टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अगेन सेकंड ब्रेकआउट लेवल है तो इसमें भी एक अच्छे बड़े मूव देखने को मिल सकते। 632 स्टॉप लॉस आपने मेंशन किया राइट? असाही इंडिया लिमिटेड, असाही इंडिया 632 स्टॉप लॉस और 710 टारगेट करेक्ट? 632 स्टॉप लॉस, 710 टारगेट। चलिए तो ये फिलहाल आपके लिए असाही इंडिया 710 का टारगेट और 632 का स्टॉप लॉस रहेगा, बाय साइड की तरफ का ट्रेड है। प्रदीप इमामी के साथ आपका अगला ट्रेड क्या आएगा? अगला ट्रेड रहेगा अदानी एंटरप्राइज पे बाय। एक नैरो रेंज में 5-6 दिन कंसोलिडेट होने के बाद फ्राइडे के दिन इसमें अर्ली चार्ट से फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था, आज एक हायर स्टार्ट के बाद ये वापस से ऊपर से थोड़ा नीचे आया है और गैप फिल किया है, तो ये अप्रोप्रिएट लेवल है इसमें एंट्री करने का। 3298 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे, 3220 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3500 के टारगेट रहेंगे। 3200 की तरफ बढ़ सकता है अदानी एंटरप्राइजेस, बाय साइड का ट्रेड है, 3220 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे जब आप इस ट्रेड में उतर भी रहे हैं। तो ये फिलहाल देखिए दो दो ट्रेड हमारे जानकारों ने आपके लिए जोड़े हैं, अब देखते हैं यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे। अच्छा बाय द वे एक एक ट्रेड और आएगा हमारे जानकारों की तरफ से, उसका जायजा लेंगे जरूर, लेकिन स्पीच देखिए अब सबकी नजरें दरअसल इस नई सरकार के कार्यकाल पर रहेगी कि किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स आते हुए दिखाई देंगे। मोदी 3.0 से इंडस्ट्री उम्मीद यही कर रहा है कि बिग और बोल्ड रिफॉर्म का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे से एक्सक्लूसिव बातचीत में CII के नए प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने कहा कि GST की 5 की बजाय सिर्फ 3 दरें होनी चाहिए, ये एक बड़ा रिफॉर्म रहेगा, बड़ी राहत होगी बिजनेसेस को इससे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने, उसी का एक हिस्सा आपके सामने। अब नई सरकार आने के बाद लोगों को एक आशंका है इन्वेस्टर्स को लेकर खासतौर से, कि जो रिफॉर्म पिछले 10 साल में चला था वो रिफॉर्म प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय तो ऐसा है कि क्योंकि जो पुराने जो जितने रिफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट अच्छा आया है तो वो सबको एनर्जाइज करना चाहिए कि और भी करने चाहिए रिफॉर्म, व्हाई शुड बी स्लो डाउन। एक तो मैंने बताया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन विच लाई द इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड आई वुड लुक फॉर इज द रोड मैप टू इंक्रीज स्पेंड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड आई वुड लुक एट मोर फोकस ऑन rural and employment in employment intensive sectors. GST rate rationalization? Yes, 3-tier. Yeah. ये होना चाहिए था। 3-tier में। 3-tier होना चाहिए और जो अभी में क्या रेट देख रहे हैं आप? 3-tier में क्या रेट देख रहे हैं? नहीं, रेट वो बाद में आएंगे, but 3-tier होना चाहिए, but principally it should be, you know, when you net it should be revenue neutral. Naturally when you do two slabs into one,
तो कुछ बढ़ेगा कुछ कम होएगा, बट एट द एंड ऑफ इट शुड बी रेवेन्यू न्यूट्रल, और इफ द फिस्कल पोजिशन यू नो अलाउज इवन इफ इट्स अ लिटिल मॉडरेट इट दैट ऑल्सो फ्यूल्स यू नो कंजम्पशन राइट दैट इज देयर. एंड सेकेंड थिंग इज जो अभी एक्सक्लूडेड है पेट्रोलियम रियल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल दीज थिंग्स शुड ऑल्सो कम इन टू. तो पेट्रोलियम को लाने के लिए स्टेट एग्री होंगे आपको लगता है, क्योंकि स्टेट के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है. हाँ बट यू नो इस चीजों पे कंसेंसस बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उससे वी आर होपफुल दैट इट शुड हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज वर्किंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी कंपेरेटिव, मेकिंग द इकॉनमी मोर प्रोडक्टिव. सो विद दैट स्पिरिट करेंट पॉलिटिकल सेटअप में ये कंसेंसस बिल्ड कर पाना ऐसे क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए कितना ईजी. देखिए जीएसटी में भी कंसेंसस बिल्ड करने में टाइम लगा था, एफर्ट लगी थी राइट. तो इंडिया में बिकॉज देर आर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज इट्स अ टफ प्रोसेस बट आई थिंक. आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दें कि बस चंद ही दिन बचे हैं और 22 जून यानी कि इस वीकेंड इसी सैटरडे को हम आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी गुरुकुल. तो आपने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है, आखिरी दो दिन बचे हैं, फटाफट से रजिस्टर कीजिए और इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा ज़रूर बनिए. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, हमारे जानकार एक एक और ट्रेड जोड़ पाएंगे. प्रदीप बताइए आपका तीसरा ट्रेड इस समय के लिए. तीसरा और आखिरी ट्रेड आज का रहेगा अंबर एंटरप्राइज. एक बड़े ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद इसमें डेली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है. इनफैक्ट इसके जो फरवरी मिड में और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो टॉप्स बने थे उसका एक ब्रेकआउट कन्फर्म हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. 4175 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे. स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3970 का और 4700 से टारगेट रहेंगे. 700 के लिए अंबर एंटरप्राइजेस बाय साइड का ट्रेड है, 3970 का स्टॉप लॉस. स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपने टाइमली पकड़ा है, 3.5% ऊपर एक मोमेंटम ट्रेड ये साबित हो रहा है. अरुण आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? अगेन तीसरा स्टॉक रेलवे सेक्टर से रहेगा, रेलटेल में बाई करने की सलाह. एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो 440 के आसपास बाई करें और 425 का स्टॉप लॉस रहेगा और 491 का ओपन में टारगेट. 91 के लिए एक पॉजिटिव ट्रेड, 4.5% ऊपर है बाय द वे काउंटर रेलटेल का और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 425 का लगेगा. सोनी आपकी बारी. हर्षदा जी मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में, करंट लेवल 486 पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 470, टारगेट है 530 का. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज फ्रेश लॉन्ग वेटर पोजिशन बन रहे हैं अपोलो टायर में और 500 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं. सो काफी पॉजिटिव मूव बनेगा और 500 के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 530 लेवल नजर आ सकते हैं. ओके, तो 530 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपोलो टायर में लेकर चलेंगे और 470 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा. बाय साइड का ये ट्रेड है. चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं M&M की और उसके बाद ओवरऑल सारे जो ट्रेड्स आए हैं उसका एक रिकैप मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि वो पोर्टफोलियो सेटल हो जाए, कुछ रिटर्न्स भी देखने को मिले साफ तौर से. M&M की बात इसीलिए हो रही क्योंकि M&M का एक इन्वेस्टर डे था और उससे पहले स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन वैसे भी थर्सडे फ्राइडे के सत्र में रहा, लेकिन क्या कहा गया है इस बड़े इन्वेस्टर डे, क्या हाइलाइट्स थी M&M की ग्रुप कंपनियों पर, यत्न हमारे साथ है यही बताने के लिए. तो जहाँ तक कि M&M के इन्वेस्टर डे का सवाल है, बहुत ही शानदार कमेंट्री रही है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नए लॉन्चेस को लेके काफ़ी उत्साहित दिखे पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट. और क्लियरली यहाँ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेके. 2030 तक 23 नई लॉन्चेस का टारगेट जो है वो करेगी M&M. और क्लियरली अगर हम बात करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, IC इंजन, सब जगह से आपको नए लॉन्चेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे. तो ये एक बात लॉन्चेस की हुई. इसके अलावा वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात करी है M&M ने, जहाँ तक कि इनकी IT कंपनी टेक महिंद्रा का सवाल है और M&M फाइनेंस का सवाल है, और ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आपको आज के सत्र में दिखा रहे हैं. अगर हम बात करें क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे कंपनी के तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, कॉस्ट कटिंग के भी इनिशिएटिव्स कंपनी ने लिए हैं जिसके कारण ओवरऑल आपको मार्जिन पे एक बड़ा इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखाई दे सकता है. और प्राइजिंग के भी आपको इंडिकेशन मिलेंगे कि प्राइजिंग भी फॉर्म अप रहेगी. तो FY25 से FY27 तक 27,000 करोड़ का केपेक्स और निवेश का लक्ष्य है, जिसके कारण M&M
उनकी ग्रुप कंपनियों में शानदार तेजी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो शानदार तेजियां इन ग्रुप कंपनियों में भी, और वो स्टॉक M&M का आउट परफॉर्मर तो साबित हो ही रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हुआ है M&M इन आइसोलेशन 1.5% ऊपर, M&M फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक बार M&M फाइनेंस का स्टॉक देखेंगी क्या आप सोनी प्लीज, क्योंकि एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ लिया है अब। जी हर्षदा जी, यहाँ पे M&M फाइनेंस का एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है 300 के ऊपर, सो काफी स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनल बेसिस पे यहाँ से मुझे लगता है 325 330 को टेस्ट कर सकता है, सो करंट लेवल पे भी बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने बाई किया है होल्ड कीजिए, 300 स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट्स यहाँ से 325 330 के बने, 330 तक जा सकता है। स्टॉक मोमेंटम में है, 4% के गेंस इधर देखने को मिल रहे हैं। चले अब खिलाड़ी नंबर वन में जो ट्रेड्स आए हैं उसका जायजा लिया जाए, देखते कौन कहाँ पहुंच रहा है, किस तरह के स्टॉक्स भी रिटर्न कमा रहे हैं। पहले तो सोनी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, IDFC लिमिटेड 130 टारगेट है और 113 का स्टॉप लॉस, पावर ग्रेड 360 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस बाय साइड का ट्रेड, अपोलो टायर भी है 530 का टारगेट और 470 का इनका स्टॉप लॉस साबित हुआ है। रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, तो IDFC लीड कर रहा है 0.70% के रिटर्न के साथ। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है अरुण कुमार मंत्री का, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय साइड का ट्रेड 192 टारगेट, 175 इनका स्टॉप लॉस, असाही इंडिया फिर उन्होंने जोड़ा 710 का टारगेट है, 632 का स्टॉप लॉस इनका, और रेलटेल अभी अभी जोड़ा है 491 का टारगेट और 425 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रेलटेल पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन असाही और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली आना शुरू हो चुकी है। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर, तो प्रदीप ने इमामी जोड़ा, 815 का टारगेट है और 715 का स्टॉप लॉस, फिर अदानी एंटरप्राइजेस 3500 के लिए बाई साइड का ट्रेड इनका और 3220 स्टॉप लॉस है, 4700 के लिए इन्होंने अंबर एंटरप्राइजेस भी जोड़ा, अंबर में टारगेट 3970 का रखा है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो में किसके सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस है जो पॉजिटिव टेरिटरी में, अंबर और इमामी ऊपरी लेवल से कुछ कुछ हल्के होते दिख रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो सोनी लीड कर रही है 0.89% के रिटर्न्स के साथ, और फिर प्रदीप और अरुण कुमार मंत्री हल्के हल्के नेगेटिव टेरिटरी में हैं। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन जो भी बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से होगा उसका जायज़ा हम हर रोज़ मिड कैप मंत्र में 1 बजे लेते हैं, और जब भी वो ट्रेड्स बदलते हैं उसका एक अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आता है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू, एक छोटा हफ्ता है लेकिन 3 दिन और फिर देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स और कौन बाजी मारता है। इस पूरे हफ्ते हमारे तीनों जानकार हमारा साथ देंगे। लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।